भाई मैं पोदारगंज से चल रहा था, चलती गाड़ी में पेशेंट सॉरी बैठी गाड़ी को, मैंने दो पहले से वारंटर बैठी, मैं अपने सरकारी डिपो के पास आ गया, वहां पर सॉरी पैसे दिया, वो आपकी गाड़ी में चल गया, हम ऑटो तुरंत घुमा दिया वहां से। हाँ मेरे को टेम्पो खाली हो गया, खाली होने के बाद घर पर गया, टेम्पो में फोन बाज रहा था, मुझे पता नहीं दूसरा आदमी बोला मेरे को भाई फोन बाज रहा है, मैं गौर नहीं किया। फिर कोई बगल में लड़का था, वो लड़का फोन काट के दिया मेरे को, बोले फोन बज रहा है। मैं भी इसको तो दोस्त वाली लाया था, मैं किराया भी इसके घर पर गया था, वो घर वाला बोले लेडीज थी मेरे पास, वो दोनों किराया था, वो नट गया बोले हमारा नहीं है फोन, वो वहां से वापिस आ गया। वापिस आधे पौन घंटे के बाद फिर इसका लॉक खोला, मोबाइल का लॉक खोल कर को फोन किया, ये तो लोग आपने पता पता लोग नहीं था कैसे खोल लिया वो आपने। ऐसे व्हाट्सएप में कैसे फोन चल गया पता नहीं, मेरे व्हाट्सएप हाँ नेट डायरेक्ट में से गया, हाँ समझ गया क्या? कॉल गया इसका, कॉल गया तब इसका लड़के के पास गया, तो लड़के से बात हुई, मगर भाई फोन है तुम्हारा है क्या? बोले हमारा है। बोले तुम्हारे कैसे पास है? मगर भाई गाड़ी में कोई गिर गया, किसका है मेरे को पता नहीं है। तो बोले मेरे पापा का फोन है, मगर भाई ये फोन है आज तो मिलेगा नहीं, तुम कल ले ले जा सकते हो इसको। जब बोले तुम्हारे पास फिर से जो हमारा नंबर दे दिया इसको पर्सनल, समझिया एड्रेस दे दिया, एड्रेस देकर 11 बजे हम फोन लुटा रहे इसका, अब वो टा फोन इसको लुटा रहा हूँ। उनके कौन है मोबाइल लेने के लिए? फोन लेने वाला का फोन है ना इसका साला है, अच्छा, ये आया है वो इसका फोन है ना, वो मेरे को फोन किया है बोले हमारे साले को लौटा दो। आपका नाम कहाँ मेरा नाम मोहम्मद सदीक, के रहने वाले हो आप? छोटा बस स्टैंड चौहान सर्विस सेंटर, हाँ टेम्पू जी, में ले गए। धीरा जी का मोबाइल ये इनके टेम्पो में गिर गया था, और अब ये इन्होंने कल रात को बातचीत की, सुबह दे दूंगा आपको, और उन्होंने वो आ नहीं सके, वो लेट आएंगे, तो इसलिए इन्होंने टाइम दिया, उस टाइम में आ गया यहाँ पर और इन्होंने मोबाइल लगा दिया। आज के समय में एक ईमानदारी का परिचय देना ऐसे आदमी ये समझ लो कि मिसाल है दुनिया में, ऐसे ईमानदार आदमी बहुत कम है। क्या कहना चाहोगे जनता से जो आपके मैं तो जैसी? जनता से यही कहना चाहूंगा कि यदि किसी की किसी भी का कोई भी सामान किसी को भी मिले, चाहे कीमती हो चाहे मामूली कीमत का हो, उन्हें वापस लौटाना चाहिए, मेरा यही संदेश है। जिनका मोबाइल गुमा था क्या नाम था उनका, कहाँ के रहने उनका वाले मेरे बहनोई का गोपीराम जी डिग्रवाल, थे? अच्छा, तो वो यहाँ पर आए हुए थे? हाँ यहाँ वो सुरेश ग्राम सेवक जी, आजकल तो वो शायद हाँ उनकी ड्यूटी कोई और कहाँ बदल के रहने गई। वाले वो हैं? झुंझुनू के? अच्छा, झुंझुनू के हैं, उनके बैठने के लिए पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनके बैठने के लिए आए थे और वो टेम्पो में गिर गया था। आपके पास उनका फोन आया था कि उनके पास मोबाइल मैं है? साथ में ही था, वो वापस फोन किया मेरे पास, तुरंत फिर यहीं रह गए थे, वो वापस आए वहां से, जो लोध से वापस आए, और हमने काफी देर इनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, और उसके बाद में इनसे बातचीत हो गई और ये मोबाइल लेने के लिए आज बुलाया था, खुद आज भेज चलकर दिया। फोन किया था ऐसे ही बोला। हाँ, नाम क्या है? मेरा नाम हनुमान प्रसाद है, आप फिर कहाँ के रहने वाले हो? मैं नवलगढ़ का ही हूँ, अच्छा, बिरोल रोड चूना चौक से आगे रैगर मोहल्ला।